उन्नाव के बागरमऊ में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब एक कुत्ता गांव के अंदर एक इंसान का कटा हुआ हाथ लेकर पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने खेतों की तरफ खोजबीन शुरू की तो खेतों में एक प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला। दोनों युवक और युवती 13 अक्टूबर से लापता थे। प्रेमी युगल की शव की पहचान होने के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सीओ बागरमऊ पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर घटना स्थल को सील कर दिया। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। लड़का कैसे, क्या घटना हुई? घटना ये साहब हो गई, इन्होंने 12 तारीख को करीब हो दो बजे होते या शायद मतलब 1 बजे होता, इतना घड़ी तो देखा नहीं था। फिर ये राम कुमार ने उसको वहाँ यही खेत के पास वहीं मारा। राम कुमार कौन है? वो एक लड़की के बाप, वो कोई कोने पर यहाँ बैठा। फिर यहाँ से लड़का भाग गया, घर को गया, तो घर के जाने के बाद में हमने उसको डांटा, तुमने गलत काम क्यों किया, मतलब काहे वहाँ गए, ठीक। उसके बाद में वो लड़का आराम से किडनैप हो गया 4 बजे से। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2021 को थाना बांगरमऊ के फिकरियापुर गांव में राम सिंह के खेत पर दो डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और गांव वालों ने डेड बॉडी की पहचान बाल किशन पुत्र राम सिंह और सरला पुत्री राम कुमार के रूप में की है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है, DNA संरक्षित कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस के पास मृतक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, जबकि मृतक युवती के अपहरण का मुकदमा भी दर्ज है। मृतक लड़के के पिता ने किशोरी के पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि 12 अक्टूबर को मेरे बेटे को खेतों पर ले जाकर पीटा गया था, जिसके बाद शाम से ही उनका बेटा लापता हो गया था। घटना को पुलिस हत्या और हॉरर किलिंग के एंगल से जोड़कर भी जांच कर रही है। अस्तित्व न्यूज के लिए उन्नाव से निशानाथ पांडे की रिपोर्ट।